वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। कोई आदमी कितना गिर सकता है, इसका मात्र उदाहरण है सेना का जवान मनीष। एक के बाद एक, पहली व दूसरी बीवी को अंधेरे में रख तीसरी शादी कर ली। अब पहली अपना अधिकार, दूसरी अपनी बेटे का हक और तीसरी अपने संग रहने का अधिकार मांग रही है। विवाद इतना बढ़ा कि मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाने तक जा पहुंचा। यहां अपने दूध मुहे बच्चे के साथ दूसरी पत्नी अपनी किस्मत पर खूब रोई, खूब चिल्लाई। उसे चिल्लाते हुए यह भी कहते सुना गया कि इस पर सेना की वर्दी अच्छी नहीं लगती, इसके बदन से सेना की वर्दी उतार लेनी चाहिए। जब जवान मनीष की हरकतों का भंडाफोड़ हो गया और उसकी करतूत खुलकर सामने आ गई तो वह हवालात में फूट फूट कर रोया। फिलहाल पुलिस ने उसे दूसरी पत्नी की रिपोर्ट पर सेना पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि उसका यह भी कहना है कि केस खत्म होने पर वह तीनों के साथ सामाजिक दायरे में रहकर न्याय करेगा। दरअसल हैदराबाद निवासी शीला सिंह ने सद्धापुरी पहुंचकर सेना में हवलदार मनीष के घर यह कहते हुए हंगामा कर दिया कि वह उसकी पत्नी है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस दोनों महिलाओं व मनीष को मेरठ के कंकड़खेड़ा थाने ले आई। शीला सिंह ने बताया कि मनीष की तलाश में वह हरियाणा उसके घर भी पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात उसकी पहली पत्नी से हो गई। उसका एक बेटा भी है। इस तरह मनीष सभी को धोखा देते हुए तीन शादी किए हुए था। मामला ये हुआ, मेरी शादी हुई सर 2015 में, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया था और उस टाइम भी मेरे साथ धोखाधड़ी किया, तो मैंने केस किया था हैदराबाद में। वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तीन साल ये आया ही नहीं वहाँ। उसके बाद 2019 में मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के आई सर, मैं यहाँ मेरठ आई थी। मैं चाहे तो आप ये कंकड़खेड़े में ये मित्तल सर के रूम में थी, आप चल भी सकते, तब ये बाबू पेट में आया था मेरा, तो वहाँ भी था, गई थी मैं आर्मी वाले के पास। उन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, ना पुलिस ने की। तो मुझे पता लगा कि ये बच्चा जब हुआ पेट से था, इसने मुझे छोड़ दिया सर, ना मेरे पास आता है। इस लड़की से इसने अभी शादी की है, चार साल से रिलेशन था। मुस्लिम है ये लड़की, बंगाल की रहने वाली है। पहली भी शादी हो चुकी है, वो पहली शादी हो चुकी है सर, उसके साथ भी एक बच्चा है। किस पोस्ट में क्लर्क है ये? हाँ, आर्मी में क्लर्क है। अभी कहाँ है मुझे नहीं पता है सर, लेकिन ये हरियाणा का रहने वाला है। इस बारे में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने यह कहा। देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है, ये व्यक्ति भारतीय सेना का जवान बताया जा रहा है और बलात्कार का आरोप लगाया गया है। इसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई के क्रम में जैसे साक्ष्य आएंगे उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हमने सेना को भी इस संबंध में जो आवश्यक सूचना देनी होती है वो सूचना दी है। हाँ देखिए, अगर ये इस प्रकार की बात आती है, अगर ये जानकारी में आता है कि इसने जो है अवैधानिक रूप से एक से अधिक विवाह किए हैं, तो निश्चित रूप से उन धाराओं की वृद्धि भी की जाएगी। विवेचना के क्रम में मैंने आपको बताया, जैसे साक्ष्य आएंगे उसके क्रम में आगे कार्य। हाँ, ये व्यक्ति जो है पुलिस की हिरासत में। हाँ देखिए, ये ठीक नहीं, इसके बारे में आइडेंटिटी के बारे में को डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।